नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आपके लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु और मैं आपका मित्र वीरेंद्र सक्सेना ज्योतिषाचार्य। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं इसी सितंबर के अंदर, इसी महीने। बहुत सारे लोगों की जन्म पत्रिका देखता हूं, लगभग रोज 100 के करीब, और ज्यादातर परेशानियों का कारण होता है केंद्र भाव में, भाग्य भाव में, पांचवें भाव में राहु के साथ बैठे हुए सूर्य, चंद्रमा, शनि। ये इस तरह के जब भाव में राहु और चंद्रमा या बृहस्पति और राहु बैठ जाते हैं तो मान लिया जाता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं पितृ दोष के, और सब चीजों की जो रुकावट आ जाती है, जो समस्या आ जाती है, वो पितृ दोष के कारण होती है। पितृ दोष कुंडली का काफी खराब दोष है। उस कारण क्या है उसका, हमारे पूर्वज जो हैं, हो सकता है दादा परदादा, कहीं उनकी अकाल मृत्यु हो गई हो, उनका प्रॉपर तर्पण ना हुआ हो, उनकी आत्माएं भटक रही हो, और वो कुंडली के द्वारा हमें ज्ञात हो जाता है। ये ज्योतिष की बहुत पुरानी विधा है, पता लग जाता है। वैसे तो हमारे ग्रंथों में 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, परंतु गृहस्थ लोग जो मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, आगे जीवन यापन करने के लिए उनके सुख में, संतान के सुख में, आयु में, विद्या में, मोक्ष प्राप्ति में, विवाह में, नौकरी में, व्यवसाय में वृद्धि करने की इच्छा रहती है, तो उनके लिए पूर्वजों का अगर आशीर्वाद मिलता रहे तो हर तरह के सुख और ये संभव हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि ऐसा विधान है हमारा कि पूरे वर्ष में 14 दिन ऐसे होते हैं जब, जिनको हम पितृ पक्ष बोलते हैं, हमारे पितृगण अपनी तिथि के अनुरूप इस धरती पर आते हैं हमें आशीर्वाद देने। ये उनका नियम है, और जब वो हमारे को आशीर्वाद देने आ रहे हैं तो हमारा भी कुछ नियम बनता है, हमारी क्षमता भी है, हमारे पास साधन भी हैं, तो हम भी उनको प्रसन्न करें। अब कुछ लोग जानना चाहते हैं कि श्राद्ध पता कैसे करें, तो जिस तिथि को, जिस महीने भी, जनवरी, फरवरी, मार्च, कभी भी आपके पितरों की, पिता माता दादा दादी किसी की भी मृत्यु हुई है, तो उनकी उस तिथि को याद कर लें। डे को याद नहीं करना, 24 जनवरी नहीं याद करनी, हमें कैलेंडर देखकर यह देखना है कि वो कौन सी तिथि है और कौन सा मास है। तिथि देख ली तो बहुत है, चतुर्थी है या पंचमी तिथि है या अमावस है, पूर्णिमा है, ये तिथि याद रख लें। उस तिथि के अनुसार जो पितृपक्ष में दिन है उनके निर्धारित तिथियों के अनुरूप आप अपने पितरों का पिंडदान करें, तर्पण करें, श्राद्ध करें। श्राद्ध कैसे करना है, और अगर आपकी क्षमता नहीं है तो मेरा एक दूसरा वीडियो मैं कल देने वाला हूं, वो भी आप जरूर देखिएगा। इससे क्या होता है, उनका जब सत्कार करेंगे तो हमें पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। पितृ दोष के कारण विवाह नहीं हो पाता, नौकरी नहीं मिल पाती, व्यवसाय में रुकावट होती है, संतान नहीं होती, लक्ष्मी का दोष होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, और बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। इनके लिए बस पितृ शांति जरूरी है, इसलिए शांति के लिए श्राद्ध करें। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक ये तिथियां हैं, जिस व्यक्ति की जो भी तिथि के अनुरूप उनकी मृत्यु हुई है, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार। पूर्णिमा की तिथि है, पूर्णिमा का श्राद्ध है, तो 17 सितंबर। प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वो 18 सितंबर, द्वितीया का 19, तृतीया का 20, चतुर्थी का 21, पंचमी का 22, षष्ठी का 23, सप्तमी का 23 सितंबर और अष्टमी का 24 सितंबर। नवमी तिथि जो होती है उसका श्राद्ध 25 सितंबर को और दसवीं का 26 सितंबर को। उसके बाद एकादशी तिथि आती है, उसका श्राद्ध 27 सितंबर को, द्वादशी का 29 सितंबर को और त्रयोदशी का 30 सितंबर को। एक तिथि इसमें मिस हो रही है, 28 सितंबर, उस तिथि पे कोई श्राद्ध नहीं कर रहे, ऐसा विधान बोला गया है। इसका कोई रीजन है वो मैं बाद में कभी बता सकता हूं, अभी नहीं। और चतुर्दशी
चतुर्दशी तिथि होती है उसका 1 अक्टूबर का, अमावस्या का 2 अक्टूबर का। और एक विशेष बात, सर्व पितृ श्राद्ध, जब पता ही नहीं है कब हमारे पितरों की मृत्यु हुई है, तो वो श्राद्ध अमावस्या की तिथि पे करना बहुत उत्तम होता है, 2 अक्टूबर बुधवार के दिन करके देखिएगा। और इसी तरह के वीडियो जानने और सुनने के लिए और हमारी कुछ सलाह लेने के लिए एक निवेदन, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, रहेंगे हम आपके। कुछ विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो एस्ट्रो टॉक पर मैं मिलता हूँ ओम वीरेंद्र के नाम से, वह भी हम आपकी सेवा करने को तैयार हैं। धन्यवाद।